दिल्ली में बढ़ते प्रदूषण के बीच मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने महत्वपूर्ण बैठक बुलाई है। बैठक के बाद अरविंद केजरीवाल ने एक हफ्ते के लिए दिल्ली के सभी स्कूलों को बंद करने का फैसला लिया है। सारे क्लास एक बार फिर ऑनलाइन होंगे। इसके अलावा सरकारी दफ्तर के कर्मचारियों को वर्क फ्रॉम होम करने का ऐलान किया गया है। साथ ही निजी दफ्तरों के लिए भी एडवाइजरी जारी करने की बात की गई है। इसके अलावा 14 नवंबर से 17 नवंबर तक सभी तरह के निर्माण कार्य पर रोक लगा दी गई है। पिछले कुछ दिनों से दिल्ली में पोल्यूशन काफ़ी बढ़ा है और जो डेटा दिखाता है कि 30 सितंबर तक दिल्ली की हवा लगभग साफ थी, सेटिस्फैक्ट्री रेंज में थी। एयर क्वालिटी इंडेक्स 100 के नीचे था, जो कि सेटिस्फैक्ट्री रेंज मानी जाती है। अभी हमारी मीटिंग हुई थी, सारे डिपार्टमेंट्स के लोग आए थे, मंत्रीगण थे, ऑफिसर्स थे और कुछ ये मोटे मोटे तौर पे 4 कदम आज हम लोगों ने डिसाइड किए हैं। एक तो ये कि सोमवार से एक हफ्ते के लिए स्कूल फिजिकल बंद किए जा रहे हैं, वर्चुअल क्लासेस चलेंगी लेकिन फिजिकली स्कूल बंद किए जा रहे हैं। दूसरा, कंस्ट्रक्शन एक्टिविटीज़ को 14 से 17 दिखा रहा है जो वेदर फॉरकास्ट है कि 14 तारीख से 17 तारीख तक हवाएं नहीं चलेंगी और वो पराली का धुआं तो आता रहेगा, तो ऐसा लग रहा है कि उस वक्त सिचुएशन थोड़ी सी ज़्यादा ख़राब हो सकती है। तो इस दौरान कंस्ट्रक्शन एक्टिविटीज़ को बंद किया जाएगा। तीसरा, सरकारी दफ्तरों का वर्क फ्रॉम होम किया जा रहा है 100%, तो सरकारी दफ्तर इस दौरान बंद रहेंगे और सभी छुट्टी नहीं है वो बंद रहेंगे और सबको वर्क फ्रॉम होम करना है या अगर कोई इमरजेंसी कॉल है तो कॉल पे अवेलेबल रहना है। प्राइवेट वाले जितने लोग हैं, प्राइवेट ऑफिसर्स, उनको एक एडवाइजरी जारी की जाएगी कि वो लोग भी ज़्यादा से ज़्यादा वर्क फ्रॉम होम कर सकें। और चौथा, आज सुप्रीम कोर्ट के अंदर एक बीच बीच में एक सुझाव निकल के आ रहा था कि क्या दिल्ली को कंप्लीट लॉकडाउन किया जा सकता है अगर बहुत ज़्यादा सिचुएशन हालात ख़राब हो जाते हैं तो उसका हम पूरा वर्कआउट कर रहे हैं कि उसके क्या मायने होंगे, उस लॉकडाउन के क्या मायने होंगे। अभी लगा नहीं रहे हैं, हम एक उसका प्रस्ताव बना रहे हैं और इस प्रस्ताव को हम सुप्रीम कोर्ट के सामने रखेंगे कि अगर ऐसा ऐसा होता है और केंद्र सारी एजेंसी से डिस्कस करके, बिकॉज ये बहुत ही एक्सट्रीम स्टेप होगा, तो सारी एजेंसी से केंद्र सरकार को कॉन्फिडेंस में लेके, CPCB को कॉन्फिडेंस में लेके, सफ़र को कॉन्फिडेंस में लेके अगर ऐसे हालात बनते हैं तो फिर उसमें दिल्ली के अंदर सारे प्राइवेट व्हीकल्स, कंस्ट्रक्शन, ट्रांसपोर्ट, ये सब व्हीक्युलर ये कंस्ट्रक्शन और इंडस्ट्रियल ये बंद एक्टिविटीज़ बंद की जा सकती हैं। तो ये एक प्रस्ताव, अभी केवल प्रस्ताव के तौर पे इसको हम कोर्ट के सामने रखेंगे।